गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम स्नेहा शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नाउन। लेट्स बिगिन द क्लास। सो डेफिनेशन ऑफ अ नाउन इज वेरी सिंपल, द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन, राइट? एग्जाम्पल ऑफ अ नेम, रवि, टीचर, डॉक्टर, इन नेम वी कैन मेंशन द प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन, राइट? प्लेस, भोपाल, स्कूल, म्यूजियम। एग्जाम्पल ऑफ अ एनिमल, टाइगर, काउ, स्पैरो, राइट? एंड थिंग्स वी आर बकेट, पेंसिल, पैन, मिल्क, एनीथिंग, राइट? देर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन मीन्स विच इज कॉमन इन नेचर, राइट? I not specify the person, like I am telling girls, so I not specify which girl I am, right? So example of a common noun is girls. Okay, girls. And we are writing flower, so we are not giving the which flower is we are talking about, right? Flowers. Proper noun in common noun hum log mention nahi kar rahe hain ki kaun specific. Okay, we are only mentioning girls. Okay, in proper noun we are specify the person. Let's take example of common noun girls. So in proper noun girls, I am mentioning Renu, right? So Renu is proper noun because I am specify that girl, that Renu, please come here. Okay, in common noun I girls, please come here, so all girls can come, right? In proper noun I am mentioning the a specific person. For example, flower, so flower rose, right? Yeah, I like rose, I like flowers. Okay, collective noun. Collective noun is group of a noun, group of a students, group of a animal, right? So group of animals, cow ki group ko kya bolte hain? Herds of cow. Herds of cows, right? Abstract noun. Abstract noun is a noun which include feelings we cannot touch or see, right? Abstract noun we can only feel. For example, honesty. Honesty is the best policy, right? Okay, students. So let's study in depth. Okay, common noun. Common refers to a person, place or thing in a general, right? Songs. मुझे song बहुत पसंद है, पर मैंने बताया नहीं कौन सा song पसंद है, तो song हमारे लिए common noun हो गया, right? Boys. So boys, मैंने specify तो कोई इंसान का नाम नहीं लिया है, मैंने boys बोला है, तो boys तो common हुआ, right? Proper noun. Proper noun identify a particular person. We can means हम उसको specify कर रहे हैं कि हमें इंडिया जाना है ना? अब मैंने प्लेस का नाम बोल दिया, मुझे उस प्लेस में जाना है. अब कौन सा प्लेस मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, अब मैंने बोल दिया कि मुझे इंडिया जाना है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि हमने उसे प्रॉपर स्टेटमेंट में डाल दिया, राइट? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ सेट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और एनिमल. ओके, जो भी कलेक्शन है, जैसे कि हम स्कूल्स में चार पांच बच्चों का ग्रुप होता है, हमसे क्या बोलते हैं कि ये गैंग है, राइट? तो ये गैंग क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. ठीक है, ऑडियंस. ऑडियंस बैठी रहती है, ऑडियंस क्या हुआ? एक कलेक्टिव नाउन हुआ. ग्रुप ऑफ अ पीपल बैठा है वहां पे, राइट? ग्रुप ऑफ अ पर्सन. ग्रुप ऑफ अ पर्सन, अ पर्सन क्या है? नाउन है, तो ग्रुप ऑफ अ नाउन, राइट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन
एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इमोशंस दैट डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, मतलब फिजिकली नहीं आती है वो, है ना, आपको फील करनी पड़ती है। किसी की ऑनेस्टी आप फिजिकली देख सकते हो, फील कर सकते हो कि उसके अंदर हाँ यार ऑनेस्टी है, राइट। एंगर, एंगर कोई आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एंगर को आप फील कर सकते हो, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो, ये लड़की कितनी गुस्से में है ना, हम उसको हम फील कर रहे हैं, हम उसे टच कोई मतलब एंगर उसका गुस्से वो पकड़ कोई सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। ओके, सो हेयर वी आर गोइंग टू सी वीडियो, 1 मिनट। लेट्स ट्राई लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, सो देर इट इज योर होमवर्क फ्रॉम। ओके, सो वी कैन डू दिस टू एक्टिविटीज इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।